माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया है। ये विषय उठाया है जिसमें कि सीसीटीवी के माध्यम से हम पैसेंजर्स को किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं दे सकते हैं। माननीय सांसद जी ने जो पॉइंट उठाया है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कर सकते हैं, रेलवे ने इस काम के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। उन इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा। सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट बन चुका है, जिससे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, जैसे फेस रिकग्निशन, जैसे AI, एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके, जिस जानकारी से जो भी कोई दिक्कत आनी हो, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब तक करीब 866 स्टेशन पे अच्छा एक सीसीटीवी का सिस्टम लग चुका है और इसके अच्छे परिणाम भी आए। माननीय अध्यक्ष की पिछले समय में कई उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से जो बच्चे कहीं से ट्रैफिकिंग के जरिए ले जाए जा रहे थे उनको बचाया गया, कई जगह महिलाओं के सम्मान की रक्षा हुई, कई जगह कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जो कि असुविधा में थे उनको सुविधा मिली। बहुत सारे ऐसे मामले, कुछ व्यक्ति परेशान करने की कोशिश कर रहे थे पैसेंजर्स को, वो भी रोका गया। एक तरीके से बहुत सारे जो दिक्कतें थी उनको सॉल्व किया गया है। और जो विशेष प्रश्न पूछा है IP बेस्ड CCTV कैमरा के बारे में, उसके बारे में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने स्पेसिफिक रखना चाहूँगा। IP बेस्ड वीडियो कैमरा से IP बेस्ड CCTV कैमरा में साइबर सिक्योरिटी वाला एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो साइबर सिक्योरिटी वाले एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन बनाए गए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए स्पेसिफिकेशन इस तरह के बनाए गए हैं कि किसी तरह की थ्रेट न हो, कोई ऐसा विदेशी देश कोई उसको कॉम्प्रोमाइज न कर सके। इन सब भावनाओं के साथ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकेशन किए गए और CCTV का आगे प्रसार हो रहा है।